हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्स लेके अपनी अगली सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें देखिए गाइस, अगली रिएक्शन जो आती है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। इसे शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको की दे दूँ एज यूजुअल, जो हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले देते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, जब हमने पहले याद होगा आपको एक रिएक्शन करवाई थी जिसमें यहाँ पे क्या कंडीशन थी ठीक। अगर सपोज करो इसको बोलते हैं गाइस इमाइन ठीक, ये वाली कंडीशन जब थी आपको अगर याद होगा, इस वाली कंडीशन पर हमने सीधा डबल बॉन्ड को इसे कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करा था गाइस, जब मैंने कहा था कार्बन के पास डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन हो और इसको हमें रिमूव करना हो तो हम लोग कुछ नहीं करते थे गाइस, हमारे पास स्ट्रेंथ थी, हम क्या करते थे इसकी वाटर के साथ ट्रीटमेंट करवा देते थे। वाटर के साथ ट्रीटमेंट करते ही क्या होता था गाइस, ये दोनों डबल बॉन्ड टूटते थे, ये डबल बॉन्ड टूटता था, कार्बन को ऑक्सीजन मिल जाता था और नाइट्रोजन को ये दोनों हाइड्रोजन मिल जाते थे। फिर से बता दो गाइस, कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा ठीक। यानी अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया गाइस, अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूँ तो रिजल्टेंट मेरे पास आया है, यही हुआ ना, दो बॉन्ड टूटे ऑक्सीजन से जुड़ गया, प्लस क्या मिला गाइस मुझे, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन एक तो पहले से था और ये दो बॉन्ड इस हाइड्रोजन के फॉर्म हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी गाइस, ये तो हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं। अब मुझे जो चीज़ नहीं बतानी है वो ये है कि जब हम यहाँ से इमाइन से कार्बोनिल बना सकते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस कि अगर मैं कार्बोनिल की अमोनिया के साथ दोबारा से ट्रीटमेंट करवा लूँ तो क्या ऐसा नहीं हो सकता गाइस कि ये वाटर रिलीज हो जाए और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड वापस से फॉर्म हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ गाइस ऐसा पॉसिबल है, अगर ये चीज़ फॉरवर्ड जा सकती है तो गाइस यही चीज़ बैकवर्ड भी आ सकती है। बैकवर्ड आने का मतलब है कि कार्बन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अगर ये वाली कंडीशन है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस करवाया और हमें ये चीज़ मिल गई, कार्बोनिल और अमोनिया मिल गया। अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाऊँ गाइस तो वापस से मुझे क्या मिलेगा, वाटर H2O ठीक, वाटर H2O और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये चीज एज इट इज है। यानी जो चीज फॉरवर्ड गई है वही चीज क्या हुई गाइस, बैकवर्ड हुई है ठीक। फॉरवर्ड कराने पर हमने क्या करा, वाटर के साथ ट्रीटमेंट दी, और बैकवर्ड आने के यानी रिएक्शन से वापस आने के लिए हमने क्या करा, वाटर को रिलीज कर दिया। इतनी चीज समझ में आ गई गाइस। अब आपको ओवरऑल एक चीज दिमाग में रखनी है कि जहां पे आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है, नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन आपको चाहिए, आपका सीधा सीधे क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए गाइस कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स होता है ठीक। अब आपके पास क्या क्या ड्राइविंग फोर्स मिल गए अगर किसी रिएक्शन को प्रोसीड होना है, पहले देखिए क्या उससे वाटर रिलीज हो सकता है, अगर वाटर रिलीज हो सकता है तो तुरंत रिलीज कर दीजिए, पहली कंडीशन ये होगी ठीक। दूसरी कंडीशन, क्या उस रिएक्शन में कोई गैस रिलीज हो रही है, अगर गैस रिलीज हो रही है गाइस तुरंत गैस रिलीज कर दीजिए। दो कंडीशन हमारे पास हो गई, पहला हो गया कि वाटर रिलीज हो रहा है, दूसरी कंडीशन हो गई कोई गैस रिलीज हो रही है, और तीसरी कंडीशन आती है गाइस टोटोमेरिज्म की, कि क्या वो कंपाउंड और ज़्यादा किसी और फॉर्म में स्टेबल हो सकता है। देखिए गाइस इस चीज़ को ध्यान में रखिए, कोई भी कंपाउंड रिएक्शन तभी करता है जब उसे स्टेबिलिटी चाहिए होती है, वो स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए रिएक्शन करता है ठीक। उम्मीद है गाइस इतनी चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। तो गाइस अगर आपको रिएक्शन की पता चल चुकी है तो ये सारी रिएक्शन जितनी आपके सामने लिखी हुई है सब आपके लिए विद इन अ मिनट वाला गेम हो जाएगा। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनिल हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें अमोनिया दिखाई दे रहा है, अमोनिया को आप लोग किस तरीके से देखेंगे, मैं तो इसे NH और डबल बॉन्ड H कुछ इस तरीके से देखूंगी, कुछ ये मुझे दिखाई दे रहा है, और इतना मुझे पता है कि कार्बोनिल और अमोनिया के जब मैं बात करूंगी तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, यानी ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, मतलब सिंगल सिंगल दो बॉन्ड टूटेंगे, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और मेरे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा गाइस, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो प्रोडक्ट कुछ ये आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, इसे क्या बोलेंगे गाइस, अब पहले ही हमने करा है, इमीन बोलिए चाहे इमाइन बोलिए, इट्स ऑल अप टू यू एंड योर प्रोनाउंसिएशन ठीक। ये हमारे पास इमाइन बन गया है, इन बॉन्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, आप यहाँ पे चाहे R लगा लीजिए, चाहे यहाँ पे R लगा दीजिए, अल्काइल बनाइए चाहे हाइड्रोजन लगाइए, इट्स ऑल अप टू यू। मेरा काम आपको सिर्फ रिएक्शन कैसे होगी ये चीज बताना है, किस तरीके से होगी वो समझाना है ठीक। फिर से दूसरी कंडीशन देखिए, ये कार्बोनिल है हमारे पास, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो क्या हुआ, हमें तो मेन की पता है ना कि हमें किस तरीके से काम करना है, आपको ये NH2 दिखाई दे रहा है, NH2 दिखाई दे रहा है, मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है और ये दो हाइड्रोजन मेरे पास कुछ इस तरीके से है, मुझे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है।
मेरी रिएक्शन पता चल जा रही है गाइस क्या होगी, आपको लग रहा है ऐसा? ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ वाटर फॉर्म कर देंगे, ठीक, ये नाइट्रोजन सीधा इसके पास चला जाएगा और ये एसिड रह जाएगा, यानी मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो कुछ इस तरीके का है। सी सी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 प्लस वाटर एंड सॉरी यहाँ भी वाटर रिलीज हुआ, यानी ओवरऑल ये तो मुझे समझ में आ गया कि फर्स्ट कंडीशन पर भी वाटर रिलीज हुआ, सेकेंड वाली में भी रिलीज हुआ, अमोनिया से बना हमारा एमाइन, हाइड्राजीन से बनेगा गाइड्स हाइड्राजोन, जो ये आई है बस इसको ओ कर दीजिए, देखिए ठीक, हाइड्राजीन से हाइड्रोजोन बना, अरे भाई तो बढ़िया आसान हो गया, आपको क्या लग रहा है गाइस? अब यहाँ पे देखिए, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा हो गया, 6-6-5 बॉन्ड NH बॉन्ड NH2 फिनाइल हाइड्रोजन, क्या लगता है गाइस क्या प्रोसीड होगा? अरे कुछ नहीं प्रोसीड होगा भाई, हमें दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन है, हमें दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन, हमें सिर्फ उन दो हाइड्रोजन से मतलब है जो नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं हाइड्रोजन में, ठीक है, हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स की तो बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स क्या होगा गाइस? जो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक, और उसका डेरिवेटिव होने का मतलब है कि ये NH2 एज इट इज रहेगा, और जो इसका एक हाइड्रोजन है ना गाइस उसके बदले आपको जेड लगा देंगे, जेड का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो आप लगाना चाहें, देखो यहाँ पे एज इट इज अमोनिया है, इसमें हमने क्या करा NH2, एक एच के बजाय NH2 लगा दिया तो उसे हमने हाइड्रोजन बोला, यहाँ पे NH2 था यहाँ पे NH था, ठीक, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने क्या कर दिया C6H5 लगा दिया तो इसे हमने फिनाइल हाइड्रोजन कह दिया, ठीक है, ये वाला ग्रुप जो कंपाउंड इस H के साथ रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ NH2 इस कहते हैं अमोनिया वाले पार्ट में जो है हाइड्रोजन के साथ इन प्लेस हाइड्रोजन क्या लगा, इतनी बड़ी चेन लगी है, ठीक, यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ NH2 एक हाइड्रोजन के बदले क्या लगा है OH लगा है, तो जब एक हाइड्रोजन के बदले OH लग गया तो इसे हाइड्रोक्सोलामाइन कहा गया, अगर ये वाला लग गया तो इसे बोला गया 2,5-2,4-dinitrophenylhydrazine, अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन के बदले C6H5NH लग गया तो फिनाइल हाइड्राजीन, यानी ओवरऑल मुझे पता चल चुका है कि अमोनिया का जब हमें डेरिवेटिव फॉर्म करना है तो अमोनिया में NH3 के बजाय हमें क्या लिखना है, दो हाइड्रोजन तो एज इट इज रहेंगे पर कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता रहेगा किसी अदर मॉलिक्यूल या एटम से, ठीक है, इतनी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन हमारा बन चुका है, अब हम प्रोसीड करते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, ये रिएक्शन देखने में तो बहुत बड़ी लग रही है गाइस, पर अगर मैं इसे देखूं तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है NH2 C6H5 इसी को बोलेंगे ना गाइस, अब पता नहीं आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं, मैं तो इसे इसी तरीके से देख रही हूँ, यानी मेरे पास रिजल्ट क्या आया गाइस, रिजल्ट आया मेरे पास C डबल बॉन्ड, ये तो एज इट इज रहने वाला है, इसमें कहीं से कहीं कोई छेड़छाड़ मुझे नहीं दिख रही है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड किसके साथ फॉर्म होगा गाइस, इस वाले नाइट्रोजन के साथ, ये रहा हमारा नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास अब कोई हाइड्रोजन बच रहा है, दोनों हाइड्रोजन जा चुके हैं, कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ ये डायरेक्ट नाइट्रोजन ये रहा, इस नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड NH लीजिए, NH के बाद सिर्फ सीधा क्या बचा है C6H5NH उतार दिया, कोई दिक्कत आएगा मुझे तो नहीं आई है, आपको आई है तो बताइए, और इसका नाम क्या हो जाएगा गाइस, फिनाइल हाइड्राजीन था, अब ये इसको बोलेंगे आप फिनाइल, बिल्कुल सही, अगर आप बोल रहे हैं हाइड्राजोन तो आप बहुत स्मार्ट हैं, आप ये समझ चुके हैं, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजोन, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी गाइस, वेरी गुड, अगर नहीं हो रही है तो। अब यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे मुझे नहीं पता गाइस आप किस तरीके से देख रहे हैं, पर यकीन मानिए मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इस वाले दोनों हाइड्रोजन को बाइंड अप करेगा, हमें तो वो पार्ट ढूंढना है ना गाइस जिसके साथ हमें रिएक्शन करवानी है, तो ये रहा हमारा नाइट्रोजन, ये ना अमोनिया का डेरिवेटिव, ये तो इसका हाइड्रोजन वाले पार्ट से रिप्लेस है, हमें तो अमोनिया का सिर्फ दो हाइड्रोजन चाहिए, ये दो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन बाइंड अप करा सी डबल बॉन्ड, अब किसके साथ जुड़ेगा डायरेक्ट इस वाले नाइट्रोजन के साथ, और बाकी एजेंटिस वैसा ही रह जाना है, कहीं पर कोई गड़बड़ हो रही है गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि कार्बन के चार ही बॉन्ड होते हैं, एक दो दो बॉन्ड किसके साथ बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, इसके बाद क्या है दोबारा से NH फिर बॉन्ड, और ये टू और फोर पोजीशन पे क्या है नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, अगर ऐसा नामकरण कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही गाय 2,4-dinitrophenyl क्या हाइड्राजोन, बिल्कुल सही, ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा 2,4-dinitrophenol हाइड्राजोन,
अरे आप तो बहुत स्मार्ट होते चले जा रहे हैं गाइस। अब यहाँ पे इतनी चीज हमारी समझ में आ चुकी है, नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं गाइस। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक, हाइड्रोक्सिल एमाइन, क्या हमें इससे कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसके साथ क्या लगा है। हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए ये दो हाइड्रोजन, ठीक, ये दो बॉन्ड टूटा, ये दो बॉन्ड टूटे। अब हमारे पास रिजल्टेड क्या आ गया गाइस, सी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कौन, नाइट्रोजन एंड देन ओएच। इसका नाम आप बता सकते हैं गाइस? बिल्कुल सही, अगर आप बोल रहे हैं ऑक्साइन तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका नाम क्या है गाइस, ऑक्साइन। और ये अच्छी खासी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो बेसिक, बट ऑक्साइन फॉर्मेशन में आ जाती है। तो उम्मीद है गाइस जितना अभी तक हमने पढ़ाया है इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आ चुका है तो दो रिएक्शन हम आपको होमवर्क देते हैं, इसे नोट करने के बाद आप उसे नोट कीजिए, ठीक है। गाइस अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की तरफ। तो शुरुआत में जब गाइस मैंने पढ़ाया था आपको, तो पढ़ाते हुए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग करवाएंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, ठीक। और इसका ऑक्सीडेशन अगर मैं करवा दूँ तो इसका ऑक्सीडेशन करवाने पर हमें सीधा सीधा क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी गाइस, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई थी कि अगर हमने ये वाली कंडीशन दी है, अगर यहाँ पे R को मिला के RCH2OH कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक। बट अगर एक बात बताइए, अगर मैं इस रिएक्शन को बैकवर्ड लाना चाहूँ तो फॉरवर्ड ज़्यादा टाइम हम लोग इस रिएक्शन को कह रहे हैं गाइस ऑक्सीडेशन, ठीक। फॉरवर्ड अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसे हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन, अगर यही चीज़ बैकवर्ड करना चाहूँ तो इसको बोल देंगे गाइस रिडक्शन, ठीक। तो रिडक्शन करवाने पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाऊँ गाइस मुझे पहले एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड के बाद क्या मिलेगा, एल्कोहल, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ये है हमारा एल्डिहाइड, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। आपको पता चल चुका है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पे एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवाने पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक। इतने तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि कोई ना कोई ऐसा रिएजेंट तो होगा जो इन रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा होगा, चाहे आप फॉरवर्ड जाएँ चाहे आप बैकवर्ड जाएँ। तो फॉरवर्ड जाने में कौन सा रिएक्शन, कौन सा रिएजेंट हेल्प कर रहे हैं गाइस, और बैकवर्ड आने में कौन सा रिएजेंट हेल्प कर रहे हैं, अब हम सीधा सीधा उनको देखते हैं, ठीक है। अब गाइस अगर आपके समझ में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आ चुका है तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गाइस, ये रहा हमारे पास कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल, और ओवरऑल इसे क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, ठीक। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोरीन हाइड्राइड, या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम, ठीक। इतनी चीज़ों में अगर आपको देखने पर पता चल रहा है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है ये क्या देता है गाइस, एच नेगेटिव, BH4 भी क्या देता है, H नेगेटिव, और निकल और प्लेटिनम के साथ तो ऑलरेडी हाइड्रोजन लगा है, तो हाइड्रोजन का एडिशन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है गाइस, इट्स कॉल्ड रिडक्शन, ठीक। ओवरऑल ये चीज़ हमारी समझ में आ चुका है कि ये जो प्रोसेस ब्लू कलर से लिखी हुई है ये सारी की सारी क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन करवाने का मतलब है, अगर एल्डिहाइड का गाइस मैं रिडक्शन करवा रही हूँ तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने पर हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। और अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाऊंगे तब क्या मिलेगा वो भी देखेंगे, पर फिलहाल इसे देखते हैं पहले। इसमें क्या होगा गाइस, एच नेगेटिव जाएगा, एच नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है कार्बोनिल के बीच का, तो आपको पता है ये कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, इस कार्बन को एक एच नेगेटिव मिल जाएगा, इस कार्बन को एच नेगेटिव मिलते गाइस जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये भी क्या डिमांड करेगा, एक हाइड्रोजन की डिमांड करेगा, और हाइड्रोजन कैसा, एच पॉजिटिव, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो अगर एच पॉजिटिव इसे मिल रहा है, एच नेगेटिव यानी हाइड्राइड से एच नेगेटिव इसको मिल रहा है, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है गाइस, हमारे पास रिजल्टेंट आएगा आर सी एच, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, यानी हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, आर सी एच टू ओ एच। तो इसे 1 डिग्री अल्कोहल कह दूंगा, इसमें दिक्कत तो नहीं है, जाहिर सी बात है गाइस 1 डिग्री अल्कोहल ही है, ठीक। यानी मुझे पता चल चुका है कि एल्डिहाइड का जब रिडक्शन हो रहा है तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करूँ गाइस, मैं यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया हुआ है रिएजेंट में, K2Cr2O7 या फिर KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है गाइस कि हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम में गाइस
यहाँ पे क्या आपको ऑक्सीजन की एक्सेस दिखाई दे रही है? हाँ जी, बहुत एक्सेस में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, यानी ये कौन सी रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन। और जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे एल्डिहाइड का, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है हमारा प्रोडक्ट क्या आना है। इसका ऑक्सीडेशन करवाते ही हमें क्या मिल जाता है भाई? RC(OOH)। ठीक, ये क्या है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसके मैकेनिज्म गाइस मैंने पहले ही करवा दी है, अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगी कि कैसे हुआ है। ठीक, ओवरऑल हमारे पास ये रिएक्शन आ चुकी है। पर बात करूँ अगर मैं गाइस कीटोन की, ठीक, तो कीटोन की बात करने में गाइस आपको क्या चीज़ पता चलेगी? कीटोन हमारा जो है वो रिडक्शन तो बहुत आराम से करवा देता है, यानी अगर मैं बात करूँ R R3 O, इसका रिडक्शन करवाने की बात करूँ, यहाँ से मैं कुछ भी ले लूँगी रिडक्शन ही होना है। फिलहाल मैंने ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेने में मुझे पता चला कि जो एच नेगेटिव है, जाहिर सी बात है वो कहाँ आएगा? इस वाले सेंटर पर अटैक करने, ये इधर जाएगा तो ये किस पर अटैक करेगा? प्रोटोन पे। तो यानी जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा, रिजल्टेंट पे गाइस मुझे ये मिलेगा आर आर सी के पास एक हाइड्रोजन आ चुका है ना, सी एच। अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, सिंगल बॉन्ड आ चुका है ओ एच। यानी हमारे पास क्या मिला गाइस? 2 डिग्री एल्कोहल। यानी एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने पे तो मुझे 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है, बट कीटोन का रिडक्शन करवाने पे मुझे क्या मिल रहा है गाइस? 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ तक तो चीजें ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ गाइस इसकी कीटोन की, तो कीटोन एल्डिहाइड मतलब सॉरी रिडक्शन तो बहुत आराम से दे देता है एल्डिहाइड की तरह, जैसे एल्डिहाइड रिडक्शन दे रहा है, ये भी बहुत आराम से रिडक्शन दे देता है। बट बात करूँ उसके ऑक्सीडेशन की, तो इट्स नॉट ईजी कि ये इतने आराम से क्या कर दे अपना ऑक्सीडेशन करवा सके। इसके ऑक्सीडेशन के लिए गाइस बहुत हाईली कंडीशन चाहिए होती है, वॉलेंट कंडीशन चाहिए होती है, जब ये क्या देता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट क्या देता है अब वो देखेंगे। अब बात कर रहे थे गाइस हम ऑक्सीडेशन की, किसके? कीटोन की। ये रहा हमारे पास कीटोन। गाइस ये बीच में हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके इस तरफ भी CH3 लगा है, इस तरफ भी CH3 लगा है। ठीक, इस पर हमें पता है गाइस हमें अगर इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड हमारा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। ये भी सेम टू सेम गाइस कार्बोक्सिलिक में ही कन्वर्ट होगा। कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट होने के लिए गाइस चाहे आप उसका ये वाला बॉन्ड तोड़ो, चाहे इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट आपके पास सेम बनने वाला है। सपोज करें अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया तो यहाँ पे CH3 रह जाएगा, यहाँ पे CH3 C(OH) रह जाएगा, और अगर ये बॉन्ड तोड़ दिया तो सेम टू सेम रह जाएगा। जैसे ही मैंने बॉन्ड ब्रेक करा गाइस, सपोज करा मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक करने पर क्या होगा गाइस? इस वाले कार्बोनिल को आपका सीधा सीधा क्या मिल जाएगा? OH। ठीक, कुछ इस तरीके से CH3 C(OH), ये वाला पार्ट हमारा रेड से लिखा हुआ है। ठीक, अब बात करूँ ये वाला CH3, ये क्या करेगा? ये करेगा गाइस, ये CH3 भी आपका कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होने का मतलब है इसका फॉर्मूला बन जाएगा HCOOH, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं गाइस? फॉर्मिक एसिड के। क्लियर हो गया, इतनी चीजें समझ में आ गई। ये हमारे पास एज इट इज बन गया, सॉरी इसका OH कहाँ लगा दिया, ये रहा हमारा, इसे क्या बोलोगे? इथेनोइक एसिड। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई गाइस। हमारे पास जो कीटोन था उसने नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीडेशन नहीं दिया, इस वजह से हम लोगों ने जब उसका एक्सट्रीम लेवल पे कंडीशन करवाई है, रिएक्शन करवाई है, उस कंडीशन पे हमारे पास जो कार्बोनिल होता है गाइस, ये दो टाइप के, ये तो नॉर्मली है, दो टाइप पे क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक है, उम्मीद है गाइस इतनी चीजें आपके समझ में आई होंगी। गाइस एल्डिहाइड और कीटोन अब लगभग कंप्लीट होने के कगार पर है, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टीम रिएक्शन है जिनको हम चलते चलते देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये है हमारा क्लेमेंशियल रिडक्शन और यहाँ पे लिखा है वॉल्फ किशनर रिडक्शन। रिडक्शन से आपको समझ में आ रहा है गाइस रिडक्शन होने वाला है, बट इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल कंडीशन होगी ना, किसी साइंटिस्ट ने खोजा होगा, इसलिए उनके नाम पर ये चीज दी गई है। ये है गाइस हमारा एल्डिहाइड कीटोन, जो आपकी मर्जी वो आप मानकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एल्डिहाइड कीटोन, इसकी रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन के साथ करवाएं, ठीक है, रिएक्शन हाइड्रोजन इसमें ऐड करना है, रिडक्शन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाएंगे आप इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम। ठीक है, ZN और HG का जो कॉम्बिनेशन होता है गाइस उसे जिंक अमलगम कहा जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है,
कुछ नहीं करना है गाइस, हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है। हम लोग क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को तोड़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या हमारी इस रिएक्शन में वाटर रिलीज होने की पॉसिबिलिटी है? अगर हाँ है तो प्लीज रिमूव द वाटर। एंड जो कार्बन के दोनों बॉन्ड टूटेंगे गाइस, वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? हाइड्रोजन। यानी नॉर्मल सी बात है, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एल्केन का विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर हमारे पास ऑक्टेन होगा। अगर ये चीज समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो इसको एक तरीका और है हमारे पास समझाने का। यहाँ पे 4H लिखा है ना, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख दूं, मेरा हाइड्रोजन, मेरा हाइड्रोजन, मेरा हाइड्रोजन, मेरा हाइड्रोजन, ठीक, इसे मैंने इंडिविजुअल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप बॉन्डिंग बनाएंगे तो H2 की बात होगी, ठीक। और यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड इसके साथ ऑक्यूपाई हो जाएंगे और ये जो दो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों के दोनों किस हो जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अटैच हो जाएंगे। क्या इतने में कोई दिक्कत परेशानी? यानी ओवरऑल हमारी समझ में आया कि क्लेवेंशन रिडक्शन से हमारे पास क्या हो रहा है, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है गाइस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या ऑक्सीजन रिमूव हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हुआ है। क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है? हाँ जी हुआ है। इतनी चीज क्लियर हो गई गाइस। अब इसके बाद हम लोग बात करें वॉल्फ किशनर की, ठीक। तो वॉल्फ किशनर के केस में कुछ नहीं करना है गाइस, हमारे पास यही सेम टू सेम कार्बन कंपाउंड रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसे एल्डिहाइड बोले या कीटोन बोले, ठीक। इसके बाद आपको रिएक्शन किससे करवानी है गाइस, अब आप थोड़ा सा हमें बताइए क्या होगा। ये रहा हमारे पास कौन, हाइड्रोजन, कार्बोनिल है, हाइड्रोजन है, क्या दिखाई दे रहा है गाइस? क्या यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है ऐसी जो आपकी समझ में आ रही हो? जी हाँ, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो यकीन मानिए गाइस अब आप केमिस्ट्री में अपना हाथ सेट करने लगे हैं। अब चीज़ें देखते ही समझ में आ रही है कि कहाँ से क्या निकलना है। तो कीप इट अप गाइस, अब आप लोगों का हाथ केमिस्ट्री में सेट हो गया, ठीक। यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर हो गया, अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचा गाइस, ये बचा डबल बॉन्ड है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर गाइस इस कंडीशन में मैं फिर से पानी डाल दूँ तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एज इट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से यही कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। पर अगर ऐसा ही करना होता तो हम इतने आगे क्यों आते गाइस? अब इसके बाद क्या समझना आता है, क्या चीज़ दिखाई दे रही है ऐसी जो पॉसिबिलिटी हो? ठीक, मैंने आपको क्या बताया है गाइस कि किसी भी रिएक्शन को करवाने में ना कोई ड्राइविंग फोर्स पक्का होता है, किसी न किसी ड्राइविंग फोर्स की हेल्प से रिएक्शन होती है। कुछ नहीं किया गाइस, मैंने NH2 था, NH2 को बोल नहीं किया, ठीक। यहाँ पर क्या आपको कोई गैस दिखाई दे रही है? अगर नहीं दिखाई दे रही है तो ध्यान से सोचिए, पर मुझे तो दिखाई दे रही है यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक। अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ गाइस, अगर मैं यहाँ पर KOH दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है? बिल्कुल सही, बेसिक मीडियम है, ठीक। इसके साथ क्या कर दूँ, यहाँ पे इथाइलीन ग्लाइकोल दे रहा हूँ, इथाइलीन ग्लाइकोल। यकीन मानिए गाइस कुछ नहीं होगा, नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, N2S रिमूव हो जाएगी और ये जो कार्बन के दोनों बॉन्ड टूटे हैं ये किसके साथ ऑक्यूपाई हो जाएंगे, इन वाले हाइड्रोजन के साथ। यानी रिजल्टेंट हमारे पास ये आया है कुछ ये, और ये भी क्या है गाइस, अगेन अगेन। क्या ये चीज समझ में आई है गाइस आपके? यानी हमारे पास जब मैंने क्लेवेंशन रिडक्शन करवाया गाइस, क्लेवेंशन रिडक्शन के टाइम पर भी जो प्रोडक्ट मिला वो था एल्केन, और वॉल्फ किशनर रिडक्शन करवाया, वॉल्फ किशनर रिडक्शन के टाइम पे भी मुझे क्या मिला, एल्केन, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन कंपैरेटिव करके मैंने इसलिए दिखाई है गाइस ताकि आप लोगों की चीजें समझ में आए। दोनों में हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, वो है एल्केन। क्लेवेंशन रिडक्शन में क्या हो रहा है गाइस, हम जिंक का अमलगम ले रहे हैं, ZnHg ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक। क्लेवेंशन में Cl लगा है गाइस, ऑलरेडी बता रहा है कि क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक। और रिडक्शन का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना तय है, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करें वॉल्फ किशनर रिडक्शन की, तो वॉल्फ किशनर में कुछ नहीं हो रहा है गाइस, वॉल्फ किशनर में हम लोग क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं। हाइड्रोजन से जब हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो उसके बाद हम लोग आगे भी प्रोसीड करवा सकते हैं। जब आप किसी रिएक्शन के इंटरमीडिएट में पहुँच जाते हैं गाइस, तो उसके बाद आप लोगों को बस ड्राइविंग फोर्स पता होना चाहिए कि ड्राइविंग फोर्स क्या लगना है, ठीक है। आधे से ज़्यादा रिएक्शन आप खुद ही से कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आपने क्या लिया है, बेसिक KOH लिया इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल। उम्मीद है गाइस ये चीज समझ में आई होगी आपके। अब अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं।
गाइस इतनी चीजें अभी तक आपकी समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है गाइस? एल्डोल कंडेंसेशन दो कंडीशंस मांगता है। पहली कंडीशन जो उसमें होती है गाइस, वो होती है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी। सेकेंड कंडीशन की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये सेकेंड कंडीशन जो होती है ये होती है बेसिक मीडियम में। ठीक, अब बेसिक मीडियम कह लीजिए, एल्केलाइन मीडियम कह लीजिए, इट्स ऑल अप टू आपकी जरूरत है, पर होगा बेस में। ठीक, अब इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी, फिर उसके बाद मैकेनिज्म बताऊंगी। ठीक, मैकेनिज्म में क्या करना है गाइस, सॉरी पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं इस तरीके से। ये क्या है गाइस? हमारा एल्डिहाइड। ठीक, हमें क्या करना है, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेने हैं। कोई फर्क पड़ा? CH3COOH, एज इट इज लिखा हुआ है, बस डिफरेंस यहाँ है, यहाँ पर मैंने कंबाइन करके लिख दिया है और यहाँ पर फोल्ड कर लिख दिया है। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? एल्कलीन मीडियम की। ठीक, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया है। ठीक, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मुझे शॉर्टकट क्या दिखाई दे रहा है गाइस? ये रहे हमारे दो ऑक्सीजन, ये रहे हमारे हाइड्रोजन, निकल गया बॉटम। ठीक, पहले भी बताया गाइस, किसी भी रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए ड्राइविंग फोर्स कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है वाटर का रिलीज होना। वाटर रिलीज हुआ, हमारे पास क्या बना गाइस? CH3 एज इट इज है। इसके बाद इसके दो बॉन्ड टूटे ना गाइस, और इसका भी दो बॉन्ड टूटा है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, इसे बोलेंगे ईन, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इसे बोलेंगे इसे ईन अर। ठीक है, उम्मीद है गाइस इतनी चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब हम लोग प्रोसीड करवाएं, अगर इसके रिएक्शन की बात करूँ, मैकेनिज्म की बात करूँ कि मैकेनिज्म किस तरीके से हुई है, तो मैकेनिज्म करवाने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं गाइस। सबसे पहले हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल को देखते हैं। सिंगल मॉलिक्यूल हमारा ये है, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख देंगे इस किसी भी चीज़ को। ठीक है, बस बॉन्डिंग ध्यान रखिए कि बॉन्डिंग जहाँ आप लगा रहे हैं वहाँ सही है। इसमें आपके पास क्या है? बेसिक मीडियम। बेस मीडियम होने का मतलब है, और यहाँ पे हीट भी करते हैं गाइस, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे आपके पास बेसिक मीडियम होने का मतलब है, बेस अगर कहीं पे अवेलेबल है तो हमेशा याद रखिए बेस का एक ही काम है, वो क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। एसिडिक हाइड्रोजन, अभी यहाँ पे इसको अगर आप तोड़ दोगे ना गाइस, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कौन है? कार्बन, ये वाला कार्बन। इस पे जो हाइड्रोजन लगाया गया है सबसे ज्यादा फिलहाल यहाँ पे ये है। स्टेबिलिटी की कंडीशन भी आप बात करेंगे। ठीक, ये वाला हाइड्रोजन क्या है? रिमूव होगा। ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो गाइस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा या लेके जाएगा? बिल्कुल सही गाइस, ये इलेक्ट्रॉन दे कर जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन दे कर जाएगा क्या कंडीशन हो जाएगी? CH2 कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, CH2 नेगेटिव होता है, हो जाए। अब इसके बाद आप दूसरे मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दूसरा मॉलिक्यूल कैसा होगा गाइस? कुछ इस तरीके से। ठीक, कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसमें, एज इट इज CH3C OH, एल्डिहाइड ग्रुप ही है। अब इसके बाद इतना चेंजेस करने के बाद फिर क्या? फिर कुछ नहीं, इसके बाद का तो पता ही है ना आपको गाइस, कहाँ दिख रहा है आपको? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल का टैग है ना, इलेक्ट्रोफाइल पे ही करेगा, यानी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो जैसे बात है पॉजिटिव पे जाएगा ना अटैक करने के लिए। तो यहाँ जैसे ही ये अटैक करेगा गाइस, अटैक करने से हमें क्या मिल गया है? यहाँ पे देखिए, इसके यहाँ पर अटैक करते ही ये मैंने एज इट इज रख दिया है, ये रहा, ये एज इट इज रखा हुआ है, ये रहा हमारा CH2। इसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है गाइस? इस वाले कार्बन के साथ हो रही है। ये रहा हमारा कार्बन, बॉन्ड शिफ्ट होकर किसकी तरफ गया है? ऑक्सीजन की तरफ। ये वाला कार्बन ये रहा है, ठीक है, ये कार्बन ये रहा। इसका एक बॉन्ड किसके साथ जुड़ा है? हाइड्रोजन के साथ। एक बॉन्ड किसके साथ जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन पे क्या रखा है? नेगेटिव। और इसी कार्बन पे अगला क्या जुड़ा है? CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी का है? उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगली कंडीशन पे क्या करेगा गाइस? जैसे ही मैंने ओ नेगेटिव दिखाई दिया, तो जब भी आप कोई रिएक्शन करवाते हो गाइस, हमेशा याद रखिएगा पानी में ही रिएक्शन होती है, और पानी में प्रोटॉन यानी एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कोई कमी नहीं होती। तो अगर एच पॉजिटिव की कमी नहीं है तो सब जाहिर सी बात है प्रोटॉन कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। एच पॉजिटिव जैसे ही मिलेगा तुरंत इसे पकड़ लेगा, क्या बन गया गाइस हमारे पास? क्या बना? CH3COH CH2C OH। क्या यहाँ तक आप हमारे साथ साथ चल पाए हैं, पहुँच पाए हैं?
वहां तक जैसे ही आपने वो कंडीशन देखी गाइस, CH3COH CH2COOH, ठीक, यहां तक आपने जैसे ही कंडीशन देखी, इसके बाद आपको गाइस एक नॉर्मल सी चीज दिखाई देगी होगी। यहां पे सेकंड कंडीशन पे हीट करवाया हुआ है ना, तो इसको हमने क्या करा गाइस, हीट कर दिया। जैसे ही मैंने ये डेल्टा एफ संख्या बता रहा है गाइस, हीट बता रहा है, जैसे ही मैंने इसको हीट अप किया, हीट करने पे क्या होगा गाइस, ये रहा हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, ठीक, इस हाइड्रोजन पे ऊपर की तरफ क्या होगा गाइस, वाटर दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया वाटर, बिल्कुल सही, वाटर रिलीज हो जाएगा, इसका भी एक बॉन्ड टूटा, इसका भी एक बॉन्ड टूटा, हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा गाइस, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक, वापस से हमें क्या मिल गया, ईएल। उम्मीद है गाइस इतनी चीजें जितनी भी हमने आपको बताई है, इतनी चीजें कम समझ में आई होगी, ये रिएक्शन प्रोसेस किस तरीके से हुई है, शॉर्टकट हमने आपको पहले ही बता दिया है किस तरीके से आपको ये देखना है, पर हुआ किस तरीके से, वो जो मैकेनिज्म है गाइस, ये ओवरऑल ये मैकेनिज्म है, ठीक है, इतनी चीजें, अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आगे चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, जो है हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए गाइस एक रिक्वायरमेंट है, जिसपे अभी तक जो हमने पढ़ा एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन की क्या कंडीशन थी गाइस, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या कंडीशन है गाइस, कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, कार्बन में भी बेसिक मीडियम में होगा। अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं गाइस, अगर ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक, कार्बोनिल ग्रुप के बाद तुरंत कार्बन जो लगता है गाइस, इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। अगर ये अल्फा कार्बन है गाइस, तो इस पे लगा हुआ हर एक हाइड्रोजन क्या है, अल्फा है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड है। तो ओवरऑल हमारी समझ में आ गया कि अगर हमें एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है, तो हमारे पास अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी होना लाजमी है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन हमें चाहिए ही चाहिए, कम से कम एटलीस्ट एक तो हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कैनिज़ारो रिएक्शन की, कैनिज़ारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब अगर मैं शुरुआत कर दूं इस तरीके से, क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है गाइस, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं गाइस, इसमें कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये रिएक्शन, ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, ये कैनिज़ारो रिएक्शन दे चुका है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए भी गाइस सेम टू सेम कहानी है, दो मॉलिक्यूल हमें चाहिए, और दो मॉलिक्यूल अगर आपके पास कैनिज़ारो के हैं, ठीक है, इसके आपके पास अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें क्या करना है गाइस, हमने जो भी बेस लिया है, सपोज करा मैंने बेस लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और ये कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम लिया है, और हमें क्या मिलेगा गाइस, इसके बाद हमें मिलेगा CH3OH plus HCOO, यानी हमें पता चला जिस भी कार्बन पे, जिस भी एल्डिहाइड पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ठीक है, इस वाली कंडीशन पे हमारे पास एक तो मिलेगा हमें अल्कोहल, ठीक, और दूसरा जो हमें मिलेगा गाइस, वो होगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। इसका अगर मैं नाम करने जाऊँ गाइस, नॉमेनक्लेचर में इसका नामकरण होगा पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है, इसका नाम है गाइस पोटेशियम फॉर्मेट, जो कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। उम्मीद है गाइस इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होगी। अब हम प्रोसीड करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, कार्बोक्सिलिक की अब हम प्रिपरेशन देखेंगे, देन आफ्टर उसकी रिएक्शंस देखेंगे। अब बात करूँ गाइस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है गाइस, ओवरऑल कैसे रिएक्शन कोई भी प्रोसेस होगी उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है, इसलिए ये चीज़ हमने समराइज करके लिख दी है। अब यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि अल्कोहल का, ये कौन सा अल्कोहल है गाइस, 1 डिग्री अल्कोहल का, अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूँ, क्या मैंने वो लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है, अगर इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया जाएगा, इस क्या मिलेगा आपको, RC डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी, जाहिर सी बात है गाइस, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हमने ऑक्सीडेशन करवा दिया, हमारे पास सीधे सीधे क्या आ जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एल्डिहाइड की गाइस, एल्डिहाइड में भी कुछ नहीं करना है, एल्डिहाइड में भी सेम टू सेम केस करना है, KNNO4 ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या मतलब गाइस, बिल्कुल सही, एसिडिक मीडियम मैंने ले लिया है, तो उसमें भी मेरे पास क्या मिलेगा सीधे सीधे गाइस, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद मैं बात करूँ MID, MID में क्या होगा गाइस, अगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, NH2 है, अगर यहाँ पे मैं वाटर ले आऊँ, वाटर किस तरीके से होता है गाइस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये बताइए NH2 और कार्बन की अगर मैं बात करूँ, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन है गाइस? जाहिर सी बात है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड तोड़ेगा गाइस, कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अब इसको कुछ सोचने जैसा है क्या? OH ने पकड़ा किसको? कार्बन को, और NH2 ने लिया हाइड्रोजन को। ये क्या बाहर हो गया गाइस? NH3। अमोनिया जैसे ही बाहर हुआ आपके पास क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। चीजें समझ में आ रही है गाइस? ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, RC डबल बॉन्ड को NH2 एसिड अमाइड है ना ये डेरिवेटिव, जो पहला वाला इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था तो उसमें बता दिया था। ठीक, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, OH नेगेटिव के पास गया है, और ये नेगेटिव ने किसको होल्ड किया है? इस वाले हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को। अरे काम किसमें हो रहा है गाइस? वाटर की प्रेजेंस में। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, RNGX किसको बोलते हैं गाइस? बिल्कुल सही, किसे बोला जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो R आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्यों? क्योंकि Mg क्या है? एक मेटल है। ठीक, ये इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये नेगेटिव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव हो रहा होगा। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर इस कार्बन ऑक्सीजन की मैं बात करूँ गाइस, दोनों ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरह बॉन्ड शिफ्ट होगा, पर श्योर है कि डबल बॉन्ड जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो जाहिर सी बात है कार्बन पर कैसा सेंटर जनरेट हो रहा है गाइस? पॉजिटिव। सपोज करा मैंने ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, ये बॉन्ड शिफ्ट करते ही गाइस ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। आपको पता है नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव के पास, ये नेगेटिव जाएगा इस एमजी के पास। ओवरऑल मेरे पास क्या आ गया गाइस? इसे मैं इस तरीके से लिख दूं, कोई दिक्कत? ये आर इस सी से कनेक्ट हो गया, ओ नेगेटिव किससे कनेक्ट हुआ है? एमजी एक्स से, पर डबल बॉन्ड को। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी गाइस? अब इसके बाद तुरंत ये रिएक्शन किस प्रेजेंस में हो रही है गाइस? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, यहां पे क्लियर लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, ड्राई ईथर डालने के बाद वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पे यहां तक हम लोग प्रोसीड करवा चुके हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन दी है गाइस, जिसमें सेकंड कंडीशन पे क्या कर रहा है? वाटर दिया है, कैसा वाटर? एसिडिक। एसिडिक का मतलब है एच पॉजिटिव घूम रहा होगा, टहल रहा होगा आराम से, ये टहल रहा है हमारा एच पॉजिटिव, कुछ नहीं करा, ओ नेगेटिव ने इसे पकड़ लिया और ये क्या हो गया? तुरंत रिमूव हो गया। कितनी चीज क्लियर हो गई? यानी जैसे ही ये रिमूव हुआ हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट में? R बॉन्ड COH डबल बॉन्ड O। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है गाइस? हाँ जी बिल्कुल सही, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ तक उम्मीद है गाइस आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। अब तो गाइस मुझे भी लग रहा है, पता नहीं क्यों आप लोग रिएक्शन बहुत ईजिली कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे बात करूँ RC डबल बॉन्ड OCl, क्या है गाइस? ये SI क्लोराइड। SI क्लोराइड कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता होना चाहिए बस पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, उसके बाद तो हम सारे रिएक्शन खुद ही करवा देते हैं। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात करूँ गाइस, वाटर में क्या होता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ तक कोई डाउट कंडीशन नहीं मुझे लगता है। अब यहाँ पे बात करी मैंने कार्बन और क्लोरिन की, कार्बन और क्लोरिन में कार्बन वाला बॉन्ड ही तोड़ना है फिलहाल में, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। ठीक, और चाहो तो ये बॉन्ड भी शिफ्ट करवा दो, क्या दिक्कत आ रही? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तब भी ये पॉजिटिव होगा, ये जाएगा तब भी इसमें पॉजिटिव ही होना है। हम तो आपको सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं इस टाइप पे, क्योंकि मैकेनिज्म हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। ये OH नेगेटिव अगर यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ दूँ तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा या छोड़ के जाएगा गाइस? बिल्कुल सही, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव किसको पकड़ेगा गाइस? प्रोटॉन को, H पॉजिटिव। और ये OH नेगेटिव किसके पास चला जाएगा? ट्रैवल करता हुआ कार्बन के साथ। ठीक, यानी ओवरऑल मेरे पास क्या प्रोडक्ट बना है गाइस? मेरे पास प्रोडक्ट बना RC डबल बॉन्ड OH। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? हाँ गाइस ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो ये हमारा HCl है इसे एज इट इज बाहर निकाल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, साइड प्रोडक्ट को हम फोकस करके नहीं चल रहे, अभी हम अपने मेन प्रोडक्ट पर बात कर रहे हैं। अब ये बात करूँ मैं इसी RCOOR, ये क्या है गाइस हमारा? ये है हमारा एस्टर। इसमें भी कुछ नहीं करना है गाइस, वाटर के साथ ट्रीटमेंट देनी है, वाटर के साथ ट्रीटमेंट देते ही, ठीक, वाटर के साथ ट्रीटमेंट देते ही, यानी ये H2O के साथ H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव का क्या मतलब गाइस? एसिडिक मीडियम। ठीक, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है गाइस, नॉर्मल आप वाटर भी लेंगे तो भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव में ही डूब मिलना है आपको। ठीक, ये रहा हमारा H पॉजिटिव, ये रहा हमारा OH नेगेटिव। क्या ट्रैवल करेगा गाइस? अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए तो क्या होगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास जाता है, ये रहा हमारा, तो हमारे पास रिजल्टेड क्या आ रहा है गाइस? RC डबल बॉन्ड OH + ROH। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही रिएक्शन में आप जा रहे हैं, शायद ये पार्ट आपका कट रहा है,
यहाँ पे इस रिएक्शन को, एसिड वाली रिएक्शन को यहाँ पे आप देख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है, ये हमारा एस्टर है, ठीक। इसके रिएक्शन मैंने किसे करवा दी, वाटर से। वाटर में क्या होता है, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, ये ट्रेवल किया, क्या मिला आर सी डबल बॉन्ड ओ, वाटर में ओ एच नेगेटिव होता है, ये रहा पार्ट, ओ आर के साथ कौन अटैच हो जाएगा, एच, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है गाइस। उम्मीद है गाइस इतनी पूरी की पूरी रिएक्शन आपकी समझ में आई होगी। इस रिएक्शन को करते हुए गाइस आपने एक चीज कॉमन पाई है कि हमें बस पता चलना चाहिए कि जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हम लोग उस चीज को डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रोफाइल का सेंटर कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल का सेंटर कौन सा होगा, हमारे लिए रिएक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। इसी चीज़ आपकी समझ में आ चुकी है गाइस। अब सीधा मेथड हम देख चुके हैं, अब सीधा हम जाएंगे कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन की तरफ, ठीक। रिएक्शन को किस तरीके से करता है गाइस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने प्रेजेंट है, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन को। अब गाइस हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में गाइस आपको पहले पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड दिखते कैसे हैं, इस तरीके से, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एन। गाइस इसमें जो प्रेफरेंस होती है तीन टाइप के क्लीवेज आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। तीन टाइप के क्लीवेज का मतलब है कि जहां पर क्लीवेज, पहली कंडीशन ये है कि जहां पर ओ और एच का बॉन्ड क्लीव हो रहा हो, ठीक है, ओ एच का बॉन्ड जहां पे टूट रहा हो, ठीक है, क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड, यहां पे लिख देते हैं क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड, ठीक है। पहली रिएक्शन कुछ इस टाइप की देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ सेकेंड की, ठीक, सेकेंड रिएक्शन में अगर मैं बात करूँ गाइस, सेकेंड रिएक्शन में जो बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, जो बॉन्ड टूटेगा, जो रिएक्ट करेगा, वो ये वाला बॉन्ड होगा ओ एच, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड टूटेगा, यानी अगर मैं इसे लिखूँ तो इसे लिखूंगी क्लीवेज ऑफ सी सिंगल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, ये ब्रेक होगा। और तीसरी कंडीशन जहां पर पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही रोल में पार्टिसिपेशन दे रहा होगा, जब रिएक्शन होगी ना पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन दे रहा होगा। अगर इसका एग्जांपल मैं लेके चलूँ, ठीक, अगर इसका एग्जांपल मैं लेके चलूँ, अगर मैंने मान लिया इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी NaOH, ठीक, अगर मैं बात करूँ NaOH, NaOH किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, बिल्कुल सही, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। अगर यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने की बात करें गाइस, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, इतनी चीज समझ में आ रही है गाइस। ये वाला नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेकर साइड हो जाएगा, यानी अगर मैं बोलूँ मेरे पास प्रोडक्ट क्या आया, तो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा गाइस आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एज इट इज है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा सोडियम प्लस वाटर रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, पहले भी बताया गाइस किसी भी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होगा या तो उससे वाटर रिमूव होगा या फिर उससे कोई ना कोई गैस रिमूव हो रही होगी, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं, पहले रिएक्शन हमने कर दी है प्रोसेस, जहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। दूसरे क्लीवेज की अगर मैं बात करूँ गाइस, दूसरे क्लीवेज में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, तो कोई ऐसा रिएक्शन आपको याद है, याद है जी हाँ। अगर मैं इसको ट्वाइस कर दूँ, ट्वाइस करने का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल ले लूँ, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, कुछ समझ में आया, याद आया, बिल्कुल सही। अब ये मत बोलना कि एक तरफ ही ओ एच टूट रहा है, तो सही बात, एक ही तरफ ओ एच देंगे क्योंकि हम लोग क्लीवेज की बात कर रहे हैं ओ एच, ठीक। तो ये क्या करेगा गाइस, एसिड एनहाइड्राइड देगा, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, ये क्या है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पे उम्मीद है इतनी रिएक्शन आपके समझ में आई होगी। अब बात करूँ आर सी ओ ओ एच की, यानी जहाँ पे कार्बोक्सिलिक कंप्लीट इन्वॉल्व हो रहा है गाइस, तो यहाँ पे कंप्लीट इन्वॉल्व होने के लिए अगर मैं सब भूल कर लेती हूँ, इस आर में से एक कार्बन इधर ले लिया, यानी कार्बन ले लिया, ठीक, इसमें क्या करूँ गाइस, मैं अगर हैलोजिनेशन करवा दूँ, ठीक है, अगर मैंने इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, हैलोजिनेशन करवाना है, हैलोजिनेशन के लिए क्या कराया गाइस, मैंने इसको इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस,
रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आप एक्स को जो मर्जी लेना चाहे, क्लोरीन लेना चाहे, ब्रोमीन लेना चाहे, इट्स ऑल अप टू यू। अगर मैंने रिएक्शन करवा दी गाइस तो कुछ नहीं होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और एक्स आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। कहीं से कहीं तक भी किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं RCOOH है हमारे पास, जिसकी हमने रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई है, X2 यानी हैलोजन विद द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। जैसे ही हमने ये काम करवाया गाइस, हमारे पास क्या हुआ, अल्फा पोजीशन पे क्या लग गया है, हैलोजन लग गया है, और इसको बोल सकते हैं गाइस हम अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज़ आपके समझ में आ गई गाइस, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और हाँ, इसमें सेकेंड कंडीशन पर हम लोग वाटर में डाल देते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाई और सेकेंड कंडीशन पर वाटर डाल दिया। ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिल रहा है गाइस वो ये है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड इज रहने वाला है ना, वैसे वो एच एसिड इज आपको दिखाई दे रहा है। अल्फा अगर आपने क्लोरो लगाया तो अल्फा क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमो लगाया तो अल्फा ब्रोमो हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई गाइस, उम्मीद है ये पूरी की पूरी रिएक्शन आपके समझ में आई होगी। और इस रिएक्शन का जो नाम है गाइस, इसको बोलते हैं इस रिएक्शन का नाम है गाइस हेल्बोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये काफी फेमस रिएक्शन है गाइस, जिसमें होता कुछ नहीं है, जस्ट अल्फा पोजीशन पे हैलोजन लग जाता है। उम्मीद है गाइस जितनी चीजें आपको पढ़ाई है इतनी आपको समझ में आई होगी। अब एक बार इसको कंबाइन शॉर्टकट में देख लेते हैं, कंप्रेस करके, कि कहीं कोई रिएक्शन बच तो नहीं गई है। अब गाइस इतना हम पहुंच चुके हैं, अब हमने शॉर्टकट में ये सारी रिएक्शन कंबाइन कर दी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की PCl5 से रिएक्शन करने पर, PCl5 के केस में क्या होना है गाइस, OH वाला बॉन्ड टूटेगा, ये जो है ना कार्बन और ऑक्सीजन ये रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव होगा, क्योंकि PCl5 से क्या मिलने वाला है आपको, क्लोरीन। क्लोरीन का मतलब है Cl-। Cl- कहाँ पर अटैक करेगा, जाहिर सी बात है गाइस उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर चाहिए, पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करने के लिए उसको कार्बन पर अटैक करना होगा। और कार्बन जैसे ही नया कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इस वाले को यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे ही ये यहाँ से जाएगा गाइस, हमारे पास क्या प्रोसेस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट में RC OCl। इसको क्या बोलेंगे गाइस, एसाइल क्लोराइड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। फास्फोरस के साथ क्या बच जाएगा, POCl3 विद HCl। एक क्लोरिन जो यहाँ पे चार पांच क्लोरिन है ना, तीन क्लोरिन इसे मिल गया, एक क्लोरिन इसे मिल गया, एक क्लोरिन इस वाले हाइड्रोजन के साथ बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो बन गया है ये है आपका एसाइल क्लोराइड। पहले रिएक्शन में आपकी समझ में आ गई गाइस, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे OH के बॉन्ड को तोड़ा है। क्यों तोड़ा है, क्योंकि हमारे पास जो अटैक करने आ रहा था वो न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल ही रिप्लेस करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। यहाँ बात करी कार्बोक्सिलिक की, यहाँ बात करी मैंने किसकी, अल्कोहल की। इस रिएक्शन को पढ़ते पढ़ते काफी टाइम हो गया है गाइस, ये रिएक्शन क्या है, एस्टरीफिकेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अभी भी मुझे उम्मीद है आपको नहीं बताना पड़ेगा कि यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और सीधे सीधे आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर का। एस्टर का फॉर्मेशन होने का मतलब है RC OO, ये वाला बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा R, इसे क्या बोलोगे गाइस, एस्टर, ठीक। एसिड क्लोराइड बन चुका है हमारे पास, एस्टर बन चुका है। इसके बाद बात करें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसे तो आप ही बता दीजिए गाइस क्या बनने वाला है, बिल्कुल सही, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, रिडक्शन करवाएगा और रिडक्शन करवा के सीधा पहली कंडीशन क्या होगी गाइस, बिल्कुल सही, ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। उम्मीद है गाइस जो चीज़ मैं कर रही हूँ अब आप इसमें स्पीड पकड़ रहे होंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आप लोग काफ़ी लंबे समय से ये रिएक्शन सीरीज पूरी की पूरी देखते चले आ रहे हैं। अब मैं बात करूँ इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसकी रिएक्शन करवाई है मैंने किससे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट NaCl3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस Na क्या है, पॉजिटिव, ठीक, ये पॉजिटिव है। ये किसके पास रिएक्ट करने के लिए जाएगा गाइस, इसको चाहिए ऐसा एरिया जहाँ पे नेगेटिव हो, तो नेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं गाइस, हमेशा ना रिएक्शन को शांत दिमाग से बैठ के रन करवाना है कि कहाँ पर क्या डालना है। जैसे ही ये चीज़ मुझे मिली है OONa, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट मिल गया, सोडियम का सोडियम कार्बोक्सिलेट मिल चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं,
अब यहाँ पे हमें दिख रहा है एच, एक एच ये है गाइस, एक एच ये है, और ऑक्सीजन ये कार्बोनेट आपको दिखाई दे रहा है, कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड छुपा हुआ दिखाई दे रहा है यहीं पे, बिल्कुल सही गाइस, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड छुपा हुआ दिख चुका है यू हैव बीन वेरी टैलेंटेड। ठीक, यहाँ से हमारे पास जो चीज ब्रेक हुई है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर भी मिल चुका है, गैस भी मिल चुकी है, और जो मेन प्रोडक्ट है वो भी हमें मिल चुका है। मैंने पहले भी बताया गाइस, फिर से बता रही हूँ, किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए या ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होता ही होता है। हमारे पास यहाँ पे वाटर भी मिल रहा है और हमें गैस भी मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास प्रोसीड हो चुका है। अब ये वाली रिएक्शन तो गाइस आप देख के अपने आप से बता सकते हैं कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, वाटर निकल रहा है तो जाहिर सी बात है सोडियम जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, वाटर। उम्मीद करती हूँ गाइस जितनी रिएक्शन अभी तक मैंने बताई है आपकी समझ में आई होगी, ये सारा का सारा चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी लगभग लगभग कवर हो चुका है। इसके बाद जो टेस्ट बचे हैं एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट बचे हैं उनको एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे गाइस। अब गाइस यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड किसी बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो इस कंडीशन में क्या होता है गाइस, जो ये कार्बोनिल होता है ये नियम रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करने का काम करता है। डीएक्टिवेट करने का मतलब है कि ये क्या करता है, रिंग से ही इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, यानी ओवरऑल इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींच ले, उसके बाद कोई ना कोई पोजीशन ऐसी तो होगी जो रिएक्शन करने के लिए तैयार होती है। तो हाँ गाइस, ये वाली जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं मेटा। तो मेटा जो पोजीशन होती है गाइस, मेटा पोजीशन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना गाइस, उसको प्रमोट करती है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ठीक, यानी जो भी कंपाउंड आप लगाओगे मेटा पोजीशन पे, या तो इधर लगा लो या इधर लगा लो, ये दोनों क्या है गाइस, मेटा पोजीशन है। ठीक, मेटा पोजीशन कैसे बताया गाइस मैंने, क्योंकि जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है गाइस उसके तुरंत बाद होती है ऑर्थो, फिर मेटा एंड देन पैरा। ठीक, सेम कंडीशन इधर भी होगी, ऑर्थो मेटा पैरा। पैरा वाली जो कंडीशन होती है गाइस सिंगल होती है, उसके बाद मेटा मेटा दो होती है, ऑर्थो और ऑर्थो दो होती है। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने प्रोसीड करवाया है गाइस, प्रोसीड करवाने में मुझे क्या पता चला, जब नाइट्रेशन होगी, जब बात हम क्या करेंगे बेंजोइक एसिड पे नाइट्रेशन करवाएंगे, नाइट्रेशन का मतलब है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो ये वाली कंडीशन होगी गाइस, यहाँ पे क्या होगा, ओ एच नेगेटिव रिमूव होगा और हमारे पास क्या बचेगा, एनओ टू पॉजिटिव। ठीक, ये एनओ टू क्या करेगा गाइस, यहाँ पर जाके अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर जाकर मेटा पोजीशन पे, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आने वाला है गाइस, NO2 देखिए लग गया हमारा NO2। ठीक है, ये वाली पोजीशन हो गई सेटिस्फाइड, इसको क्या बोलेंगे गाइस, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अगर मैं बात करूं Br2 की फेरिक ब्रोमाइड की कंडीशन पे, अगर मैंने ये रिएक्शन करवाई है, ये जो कैटलिस्ट है ये हमने डाला है इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, रिएजेंट लिया है, ब्रोमिनेशन करवाएगा, ब्रोमिनेशन का मतलब है ये भी गाइस कहां जाएगा, मेटा पोजीशन पे, इनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं जाने के लिए, इसको क्या बोलोगे, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक, अब बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड भी इसी तरीके से जाएगा और कहां जाएगा, SO3H। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई गाइस, उम्मीद है जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी चीजें आपके समझ में सारी के सारी आ गई होंगी। अब इसके बाद गाइस आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है वो कभी भी फ्रीडनक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। फ्रीडनक्राफ्ट रिएक्शन ना देने का कारण गाइस आप बता सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, जो हमारा फ्रीडनक्राफ्ट होता है उसमें जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, वो क्या होता है, लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड क्या करता है गाइस, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल कंपाउंड है उसके साथ जाके खुद ही बॉन्ड बना लेता है। एक तो हमारा कार्बोनिल वैसे ही डीएक्टिवेटिंग है, ठीक, ऊपर से उसने और बॉन्ड बना लिया तो फर्दर रिएक्शन होगी कहाँ से। ठीक है, इतनी चीज गाइस उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक के, एक व्यू देख लीजिए कि इनके क्या क्या यूजेस हैं, उसके बाद हम लोग जो फर्दर करेंगे अगली जो वीडियो आएगी गाइस उसमें सिर्फ टेस्ट होंगे। ठीक है, जो एल्डिहाइड कीटोन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यूजर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स,
A 40% aqueous solution of formaldehyde is known as formalin and is used to preserve biological specimens and to prepare bakelite. Acetaldehydes are used as a starting material in the manufacture of acetic acid, ethyl acetate, vinyl acetate, polymers, and drugs. Benzaldehyde is used in perfumery and in dye industries. Acetone and ethyl methyl ketones are common industrial solvents. Now, uses of carboxylic acids. Formic acid is used in rubber, textile, dyeing, leather, and electroplating industry. Acetic acid is used as solvent and as vinegar in food industry. Adipic acid is used in the manufacture of nylon 6,6. Sodium benzoate is used as preservative. Higher fatty acids are used for the manufacture of soaps and detergents. Esters of benzoic acid are used in perfumery. Thank you for watching this video. Jai Mahadev.